आज आपका हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। हमारे पास आज महिंद्रा की XUV500 आई है, जिसका प्रॉब्लम है कि अगर चारों दरवाज़ा बंद रहता है तो भी मीटर जो उसका लाइट ब्लिंक करता है कि जैसे कोई डोर ओपन है करके, तो हम आपको दिखाएंगे इसका प्रॉब्लम है क्या करके। सबसे पहले तो इधर दिखाइए, ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये जो डोर का लाइट देखिए, ऐसा आ रहा है जैसे कि कोई डोर ओपन है, लेकिन हमारा चारों डोर क्लोज है। आपको हम सब एक एक डोर क्लोज करके दिखाते हैं। अंसार जी, एक एक डोर क्लोज कीजिए, ये देखिए, देख सकते हैं फ्रेंड, हमारा चारों डोर क्लोज है। ये डिक्की भी हमने बंद किया हुआ है, चाहे तो आपको दिखाते हैं हम। ये देखिए, ओपन करके इसको बंद कर रहे हैं, ये भी बंद है। ये पीछे का रियर लेफ्ट साइड का दरवाज़ा भी हम आपको ओपन करके क्लोज करके दिखाते हैं। ये देखिए, देखिए भी बंद है। इसके चारों डोर, बोनट और डिक्की सारे लॉक है, फिर भी इसका लाइट ब्लिंक कर रहा है। मीटर पे वार्निंग करके आ रहा है कि आपका कोई डोर ओपन है करके, ये देख सकते हैं। एक सीट बेल्ट का लाइट आ रहा है फ्रेंड, इस सीट बेल्ट के लाइट को हम बंद करते हैं। देखिए, सीट बेल्ट का लाइट बंद हो गया, सिर्फ डोर का वार्निंग दे रहा है। तो हम इसे चेक करेंगे कि इसका क्या प्रॉब्लम है कि डोर का वार्निंग दे रहा है कस्टमर को, और उसे सॉल्व करेंगे, तो हम आपको बताएंगे इसका प्रॉब्लम क्या है। ठीक है फ्रेंड, जैसा कि फ्रेंड देख सकते हैं, हमें इसका फोल्ड मिल गया है। ये जो बोनट का स्विच आता है, इसका वायर देख सकते हैं, ये वायर यहाँ से ब्रेक हो चुका था। दिखाते हैं हम इसको कहाँ ज्वाइंट होएगा। तो नज़दीक से दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये जो फ्रेंड है, ये वायर, ठीक है फ्रेंड, ये वायर यहाँ से ब्रेक हो गया था। तो अभी हमने इसको ओपन किया है, इस वायर को, ये बोनट स्विच के इसमें सॉकेट में लगता है यहाँ पे। तो एक वायर इसका ब्रेक हो चुका था यहाँ से, तो हमने इसको अभी छील के, देखिए इसको छीला है, और इसको हम एक दूसरा वायर एक डाल के, नहीं तो इसको छील के इसमें लगाते हैं, उसको चेक करते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। जो लाइट मीटर पे दिखा रहा है डोर ओपन का, वो बंद होता है कि नहीं। देख सकते फ्रेंड, वायर को हम ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करके चेक करके आपको दिखाते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। शुक्र। तो फ्रेंड, गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं हम, फाइनली एक बार देखते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, हमारा जो डोर ओपन का लाइट आ रहा था वो सॉल्व हो चुका है। अभी किसी प्रकार का कोई लाइट नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो हम इस वायर को टेपिंग करेंगे, टेपिंग करके प्रॉपर इसे फिट करके, उसके बाद फिर से आपको एक बार दिखाते हैं। बंद करता हूँ।
देख सकते हैं फ्रेंड, ये दोनों पिन को हमने इधर बोनट जो स्विच आता है उसमें लगा दिया है। अब इसका बोनट बंद करते हैं, उसका चेक करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हमने बोनट बंद कर दिया है। फिर से एक बार गाड़ी स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं इसका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं। देख सकते हैं फ्रेंड, अब मीटर पे किसी प्रकार कोई भी लाइट नहीं आ रहा है। जो हमारा डोर ओपन का लाइट था वो चला गया है। इसका बोनट का जो स्विच था उसका वायर बीच में से ब्रेक हो गया था, इसके लिए उसको करंट पास नहीं हो रहा था, इसके लिए उसका लाइट आ रहा था। ठीक है फ्रेंड, एक बार और आपको चाहिए तो स्टार्ट करके दिखाते हैं। देख सकते हैं अभी लाइट आ रहा है डोर ओपन का। हम जैसे ही स्टार्ट करेंगे गाड़ी, देखिए ऑटोमेटिक चला जाएगा, ये देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।